हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे त्रैन बार वैर्बन, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, एंड अगर आप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको वीडियोस थोड़ा पहले मिल जाएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम क्या स्टार्ट करते हैं, त्रैन बार वैर्बन। तो त्रैन बार वैर्ब क्या होती है, त्रैन बार वैर्बन, त्रैन बार वैर्बन होती हैं जो वर्ब टूट जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, यानी कि सेपरेबल वर्ब्स, जो वर्ब टूट जाती हैं, जो सेपरेट हो जाती हैं। अब इसके अंदर रेगुलर इरेगुलर दोनों टाइप की वर्ब्स होती हैं, तो रेगुलर भी होती हैं और इरेगुलर भी होती हैं। जैसे कि हमने पहले की कुछ वीडियोज में क्या किया था, पहले हमने इरेगुलर वर्ब की कॉन्जुगेशन की थी और रेगुलर वर्ब की कॉन्जुगेशन की थी। तो रेगुलर में क्या था, रेगुलर वर्ब्स में आपका एक फिक्स पैटर्न था, इरेगुलर वर्ब में आपका कोई फिक्स पैटर्न नहीं था, दो और एजियस डिफरेंट होता था। तो यहां पर भी त्रैन बार वर्ब, मतलब ऐसा नहीं है त्रैन बार वर्ब एक अलग कैटेगरी है, इसके अंदर भी रेगुलर इरेगुलर दोनों टाइप की वर्ब्स आ सकती हैं। बस इसका मतलब ये होता है जो वर्ब टूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रेगुलर का एक एग्जाम्पल लेती हूं। फॉर एग्जाम्पल, आउफस्टेहन, ये वर्ब है जो सेपरेट हो जाती है। आउफस्टेहन का मतलब होता है टू वेक अप, उठना, टू वेक अप। तो ये वर्ब यहां पर टूट जाती है, आउफ अलग हो जाता है और स्टेहन अलग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो कॉन्जुगेशन करते हैं वो इसकी करते हैं, आपके सफिक्स की कॉन्जुगेशन होती है और जो ये प्रीफिक्स है वो एंड में चला जाता है। एंड में किस तरह से जाता है वो मैं सेंटेंस जब बनाऊंगी आपको तब समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेशन करते हैं। ये एक रेगुलर वर्ब है जिसका मतलब है टू वेक अप, इसका और इसकी प्रोनंसिएशन है आउस्टेहन। तो कॉन्जुगेशन कुछ इस तरह से है, पहले मैं सब्जेक्ट प्रोनोमन लिख लेती हूं। इश का मतलब आई, दू का मतलब तुम, एस जी एस का मतलब ही शी इट, वियर का मतलब हम, जी का मतलब आप, एंड ये जी स्मॉल का मतलब दे, एंड इस ईयर का मतलब होता है तुम लोग। तो ये तो हमने बहुत पहले ही कर लिया था, ये मैं हर वर्ब में बताती हूँ जब हम कॉन्जुगेशन करते हैं। तो अब त्रैन बार में हमें इसकी कॉन्जुगेशन करनी है, स्टेहन की। और जैसे कि मैंने बताया रेगुलर है, तो आप कॉन्जुगेशन क्या करोगे, स्टेह, दू स्टेस्ट, एज ये स्टेट, स्टेहन, ईयर स्टेट, और इसमें क्या होता है, आउफ एंड में चला जाता है। अब ये आउफ एंड में जाने का मतलब क्या है, ये जब मैं सेंटेंसेस बनाऊंगी आपको तब समझाऊंगी। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बोलना चाहती हूं मैं 7 बजे उठती हूं, तो मैं कैसे बोलूंगी, स्टेहन का मतलब टू वेकअप होता है, तो मैं आपको सेंटेंस कैसे बनाऊंगी, इश स्टेह जीबन उअर आउफ। कहने का मतलब ये है, जब आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे जो इसका प्रीफिक्स है वो हमेशा एंड में आएगा, चाहे सेंटेंस कितना ही बड़ा हो, चाहे बीच में आप कितनी ही बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन ये आउफ एंड में ही आएगा, बीच में नहीं आ सकता। यानी कि त्रैन बार वैर्ब में क्या होता है, जो सफिक्स होता है उसकी कॉन्जुगेशन होती है और जो प्रीफिक्स होता है वो एंड में आता है व्हाइल मेकिंग सेंटेंस। अब जैसे मुझे मान लो मैंने ये बोला है कि आई वेक अप एट 7 o'clock, अब मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं रोज 7 बजे उठती हूँ, यानी कि मैंने और इन्फॉर्मेशन जोड़ दी, चाहे आप सेंटेंस कितना ही बड़ा बना लीजिए, जैसे इस स्टे जीवन उवर येडन टाग आउ, अब मैंने येडन टाग जोड़ा ना, तो येडन टाग भी मतलब बीच में आ गया, लेकिन ये आउ हमेशा एंड में ही आएगा, जो इसका प्रीफिक्स है वो एंड में ही आएगा, चाहे सेंटेंस कितना ही बड़ा हो, बीच में आप कितनी ही इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, ये आउफ एंड में ही आएगा। यानी कि क्या बताया मैंने, जो सफिक्स है उसकी कॉन्जुगेशन होगी और जो प्रीफिक्स है वो एंड में आएगा। तो ये आपकी त्रैन बार वैर्बन हो गई, रेगुलर वाली। अब मैं एक एग्जाम्पल इरेगुलर वर्ब कर लेती हूं, जैसे कि हमारी दूसरी वर्ब है अनफांगन, अनफांगन, अनफांगन का मतलब होता है टू स्टार्ट, अनफांगन का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट। अब ये वर्ब कहां टूटती है, ये ऐसे टूट जाती है, अन अलग हो जाता है और फांगन अलग हो जाता है, तो फांगन की हमें कॉन्जुगेशन करनी है। और जैसे कि मैंने ये बताया ये इरेगुलर वर्ब है, तो क्या चेंजेस आएंगे वो मैं भी बताती हूं। इश, दू, एज, एस, इनके मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, इश मतलब आई, दू मतलब यू, वी, जी, जी एंड ईयर, हाँ, इश मतलब आई, दू मतलब तुम, एज यस मतलब ही शी इट, वियर मतलब हम, ये जी का मतलब आप भी होता है और आप लोग भी, इस जी का मतलब दे, एंड ईयर का मतलब यू ऑल।
तो अब जब हम कॉन्जुगेशन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रेन बार वर्ब में क्या होता है, सफिक्स की कॉन्जुगेशन करते हैं। तो सफिक्स की हमने क्या कॉन्जुगेशन की, फांगन का क्या होगा, इश फांगक दू। अभी मैं ऐसे ही लिख देती हूं जैसे कि हम रेगुलर करते हैं, और मैंने आपको बताया था अनएंड में आ जाता है। ऐसे हम कॉन्जुगेशन लिखेंगे किसी भी ट्रेन बार वर्ब की। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था ये इररेगुलर वर्ब है, तो इररेगुलर वर्ब में नेचुरल सी बात है यहाँ कुछ चेंज आएगा। तो और जो भी चेंज आता है वो दू और एएसजीएस में आता है। तो इसमें क्या चेंज आता है, ये जो ए होता है ये ए उमलाउट में चेंज हो जाता है। तो दू के कॉन्जुगेशन में यहाँ उमलाउट आएगा, दू फैंस्ड एएसजीएस फैंक्ट, दू फैंस्ड और एएसजीएस फैंक्ट। तो क्या कॉन्जुगेशन हुई, इश फांग दू फैंस्ड एएसजीएस फैंक्ट वीएसजीजी फांगन ईयर फांक्ट, राइट तो इरेगुलर में क्या हुआ, यानी कि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि हमारी वर्ब रेगुलर भी हो सकती है इरेगुलर भी हो सकती है। बस क्या है, ट्रेन बार वर्ब का मतलब कि ये वर्ब टूट जाती है, सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, राइट तो अलग क्या हुआ, इसका प्रीफिक्स एंड में आ गया और जो फंग जो हमारा सफिक्स है उसकी कॉन्जुगेशन कर ली। अब जो सफिक्स है वो पार्ट रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। तो जो इरेगुलर होगा तो उसमें इरेगुलर जैसे चेंजेस आएंगे। तो ये एक एग्जांपल था लाइक फांगन का, फांगन मतलब टू स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक एग्जाम्पल, जैसे पार्टी 3 बजे स्टार्ट होगी तो मैं क्या बोलूंगी, द पार्टी फैंक। अब आप पूछोगे फैंक क्यों आ गया, क्योंकि एयर जी एस पार्टी का आर्टिकल दी पार्टी है, तो उसका आर्टिकल ये प्रोनोमन क्या हो गया, जी। तो इसमें भी यही कॉन्जुगेशन लगेगी, द पार्टी फैंक ड्राई उवर अन, द पार्टी फैंक ड्राई उवर अन, जो पार्टी है वो स्टार्ट होगी 3 बजे। तो इस तरह से ये आपका अनफांगन हो गया। एक और मैं इरेगुलर वर्ब ले लेती हूं तो और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फैन जेहन, तो फैन जेहन आपकी एक इरेगुलर वर्ब है, ये क्या होती है, यहां पर टूट जाती है, इसका मतलब होता है टू वॉच टीवी, ठीक है, फैन जेहन का मतलब टू वॉच टीवी। और इसमें कॉन्जुगेशन किस तरह से होती है, तो हम कॉन्जुगेशन किसकी करेंगे, सफिक्स की। तो सफिक्स की जेहन की, अगर आपको इररेगुलर वर्ब्स की याद होंगी कॉन्जुगेशन तो आपको याद आ जाएगा, जो ये ई है वो आई ई में कन्वर्ट हो जाता है दू और एएसजीएस में। तो हम क्या करेंगे, इश जेह दू जीस्ट, मैंने क्या बोलता है, ये ई है वो आई ई में कन्वर्ट हो जाता है, एएसजीएस जीट वीएसजीजी जेहन ईयर जेट, ये इसकी कॉन्जुगेशन हो गई और फैन एंड में आ गया। और फैन जेहन क्या होता है, टू वॉच टीवी। अब मैं ये बोलना चाहती हूं कि मैं 5 बजे टीवी देखती हूं, तो मैं क्या बोलूंगी, इश जेह फ्यून फुअर फैन, इस जेहा फ्यून फुअर फैन। तो बस मैंने बीच में टाइम, यानी कि मैं बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकती हूँ, कुछ भी डाल सकती हूँ। तो आई वॉच टीवी एट 5 o'clock, तो इस जेहा फ्यून फुअर फैन, तो क्यों आया, टाइम से पहले, एक्चुअली हमारी प्रेपोजिशन आती है इसलिए लगाया, फ्यून मतलब 5 बजे, 5 o'clock, तो इस जेहा फ्यून फुअर फैन, तो आई वॉच टीवी एट 5 o'clock। तो फैन जेहन क्या होता है, टू वॉच टीवी, और ये ई आई ई में कन्वर्ट हो जाता है, राइट आपको समझ में आया। तो ये आपका ट्रेन बार वर्ब हो गई, यानी कि मैंने आपको क्या बताया, ट्रेन बार वर्ब वो होती हैं जो टूट जाती हैं, जो सेपरेट हो जाती हैं, जो अलग हो जाती हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो सफिक्स होता है हम उसकी कॉन्जुगेशन करते हैं, और जो प्रीफिक्स जो पहले का पार्ट होता है वो एंड में चला जाता है जब हम सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि हमारी जो वर्ब कॉन्जुगेट होती है वो सफिक्स से होती है, यानी कि कॉन्जुगेशन किसका करते हैं, हम सफिक्स का करते हैं। तो जैसे कि जेहन था तो हमने जेहन का कॉन्जुगेशन किया था और फैन एंड में चला गया था। तो ये हमारी ट्रेन बार वर्ब थी। तो मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, आप इनको घर पे ट्राई करना और देखना कि आप कॉन्जुगेशन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और मैं ये भी मेंशन कर दूंगी कौन सी रेगुलर है और कौन सी इरेगुलर है। तो जैसे कि एक तो हमने की आउस्टेहन, जिसका मतलब टू वॉच टू वेकअप होता है। देन हमने की अनफांगन, ये इरेगुलर वर्ब थी जिसका मतलब टू स्टार्ट होता है। देन हमने की फैंजेहन, इसका मतलब होता है टू वॉच टीवी, जो कि जिसका मतलब होता है टू वॉच टीवी, और ये भी इरेगुलर वर्ब है। एंड देन नाउ हम चलते हैं जैसे सुरुक कॉमन, सुरुक कॉमन का मतलब होता है टू कम बैक।
तो अब कॉमन तो हमें आती है, कॉमन की रेगुलर होती है और ये सुरुख पे टूट जाती है, तो मैं कहाँ टूट रही है मैं वो भी बता देती हूँ। तो ये यहां पर टूट रही है, इसका मतलब है टू कम बैक। इसको घर पे ट्राई करना है, इसका मतलब टू वॉच टीवी। अनफांगन मतलब टू स्टार्ट और ये इरेगुलर है। आउस्टेहन मतलब टू वेक अप, उठना। देन हमारी एक और वर्ब हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अनमाखन है, आउफ्योरन है, आउफ्योरन ले लेते हैं। आउफ्योरन का मतलब होता है टू स्टॉप, जैसे किसी चीज को खत्म कर देना या एंड करना। तो ये आपकी रेगुलर है आउफ्योरन, आउफ टूट जाता है, योरन अलग हो जाता है, तो ह्योरन की कॉन्जुगेशन करते हैं और आउफ एंड में चला जाता है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप, राइट। एक और है आइन लाडन, आइन लाडन मतलब टू इनवाइट। देन है अनरूफन, अनरूफन मतलब टू कॉल, जैसे किसी को फोन करना। तो ये अलग हो जाता है, रूफन अलग हो जाता है, आइन लाडन टू इनवाइट, राइट। तो आउस्टेहन टू वेक अप, अनफांगन टू स्टार्ट, फ्रेंजेहन टू वॉच टीवी, सुरुख कॉमन टू कम बैक, आउफ्योरन टू स्टॉप, आइन लाडन टू इनवाइट एंड अनरूफन टू कॉल। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं, तो आप ये वाली वर्ब जो बाकी मैंने लिखी है, नई वर्ब्स लिखी है, उनको कॉन्जुगेट करने की कोशिश करना। जो मैंने चारों दिए हैं वो चारों रेगुलर ही हैं, तो आपको ज्यादा माइंड यूज करना को नहीं पड़ेगा और आपको रेगुलर की कॉन्जुगेशन करनी है बस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, एंड आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बिकॉज जब आप कमेंट लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर वीडियोस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप फेसबुक पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं। वहां पर बेसिकली आपको क्या मिलेगा, आपको ज्यादा जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी हैं, ये मैंने कराया, तो उसकी एक्सरसाइज वहां पर मिलेगी, कुछ वर्ड्स मिलेंगे नए, यानी कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आप इफ यू वांट टू फॉलो मी, आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।